स्टूडेंट वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास आई एम माधुरी भारद्वाज आई एम योर इंग्लिश टीचर टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सॉल। इसमें हम पढ़ रहे थे हमारे चाइनीज लैंडस्केप के बारे में और जो वेस्टर्न यूरोपियन लैंडस्केप है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो वही बता रहे थे इसमें द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आई टू ट्रेवल अप एंड डाउन इन द बैक। मतलब इसमें जो आर्टिस्ट है वही अपना जो ट्रबल है उसको बताता है कि पेंटिंग में कैसे और कहाँ से एंटर करना है। इन द बैक अगेन इन द लेटेस्ट मूवमेंट एंड दिस इज इवन द मोर ट्रू इट इन द केस ऑफ द हिस्टोरिकल स्क्रॉल इन विच द एक्शन इज स्लोली ओपनिंग इन सेक्शन द पेंटिंग रोलिंग इट अप एंड मूव ऑन द अदर द डायमेंशन ऑफ द टाइम एंड विच इज़ अननोन टू बाय द अदर फॉर्म ऑफ द पेंटिंग एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर एंड डिसाइडेड टू वॉट द पेसिस ऑफ द ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग पार्टिसिपेशन विच इज़ द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल। मतलब पार्टिसिपेशन है फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। चाइनीज पेंटर डजंट वॉन्ट टू बोरो हिज आइस परंतु जो चाइनीज पेंटर है वो आइस को बोरो नहीं चाहते हैं। डजंट वॉन्ट टू एंटर ही वॉन्ट टू एंटर हिज माइंड परंतु वो उसके माइंड में जो व्यूअर है उनके माइंड में एंटर होना चाहते हैं। दिस इज द लैंडस्केप इन द इनर वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल एंड द कंसेप्चुअल स्पेस। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस इज द सेंचुरी लिटरेरी माउंटेन। सेंचुरी मतलब होता है कि माउंटेन एंड द वॉटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। मतलब अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए जो माउंटेन और जो वाटर है वो दोनों को मिक्सअप किया गया है लैंडस्केप के रूप में। मोर देन द टू एलिमेंट इसके दो एलिमेंट दिए हैं इमेज में। दिस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट्री पोल जो कि कॉम्प्लीमेंट्री प्लान के रूप में यूज किए गए हैं रिफ्लेक्टिंग इन द डाउवीज व्यू। मतलब जो डाउवीज के व्यू वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द यूनिवर्सल ऑफ द माउंटेन इज द ये माउंटेन की कंपैरिजन यम से की गई है एंड द रीचिंग वर्टिकली टू वर्ड जो कि वर्टिकली है एंड द हेवन एंड स्टेबल द वॉर्म एंड ड्राई टू द सन वाइल द वाटर इज एन द होरिजोंटल। वाटर को होरिजोंटल से कंपेयर किया गया है एंड ड्रेसिंग टू द एंड द फ्लूइड ड्रेसेस टू द पूल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द एन द रिसेप्टिव द फेमिनाइन एंड एक्सेप्ट द यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट इज द काउंटर पार्ट से यंग एक्टिव द मस्कुलाइन ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसको मस्कुलाइन की कंपैरिजन दी मतलब मेल से इसकी कंपैरिजन की गई है। द फोर्स ऑफ द फंडामेंटल रोटेशन द डाउरी ओवरलुक्ड इन द असेंशियल थर्ड एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है जो मिडिल वर्ल्ड है एंड द इंटरेक्शन टेक प्लेस जबकि इसमें भी इंटरेक्शन होता है। दिस कैन बी द कंपेयर विद द यम प्रैक्टिस द प्राणायाम इसकी कंपेरिजन प्राणायाम से की गई है जो कि ध्यान लगाते हैं वो ब्रीथ इन मतलब हम ब्रीथ करते हैं रिटेन करते हैं मतलब अंदर सांस रोकते हैं द ब्रीथ आउट और सांस बाहर छोड़ते हैं द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीथ और इन दोनों के बीच में का जो समय होता है जो ध्यान करने वाला होता है वही वैलिड है मेडिटेशन है एंड द मिडिल वैलिड इज असेंशियल। जो मिडिल वैलिड है वो भी बहुत असेंशियल होता है नथिंग कैन बी हैपन विदाउट इट बिना ऐसे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हेयर इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट एंड पेंटेड स्पेस ऑफ द चाइनीज लैंडस्केप एंड दिस इज ऑल्सो वेयर द मेन फाइंड द फंडामेंटल रोल इन द स्पेस बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ एंड इट्स बिकम द कंडक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द बोथ द पोल्स एंड द यूनिवर्स। ये दोनों के बीच का कम्युनिकेशन का काम करता है पोल्स और यूनिवर्स के एंड हिज प्रेजेंस इज असेंशियल उसकी जो प्रेजेंस है वो आवश्यक होती है। इवन इफ द ओनली द सजेशन फॉर विद द लॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड द लॉफ्टी पीक एंड द फ्रांसिस्को चेंग वंडरफुल एक्सप्रेशन द आईज ऑफ द लैंडस्केप ये एक्सेप्ट फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द सॉल एथिक्स से लिया गया है। स्पिरिचुअल चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड से लिया गया है। इसके बाद देखेंगे गेटिंग इनसाइड द आउटसाइड आर्ट आपको जो बॉक्स के अंदर जो दिया गया है ये लिया गया है हिंदुस्तान टाइम्स के इसमें न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपता है उस आर्टिकल से लिया गया है निंदा सूरी के द्वारा। व्हेन द फ्रेंच पेंटर जैन डुबुफिट मोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्ट ब्रन इन द 1940 द आर्ट ऑफ द अनट्रेटेड विजनरी मतलब जो आर्ट होती है जो होती है वो अनट्रेटेड विजनरी होती है एंड द मेंस भी इंटरेस्टेड इन द फ्रॉम द ये लिया गया है फ्रांस के पेंटर के द्वारा एंड ऑलमोस्ट द वैलिड द बिगनिंग
The outer side the earth gradually become the fastest growing. जो outer side जो earth होती है वो भी बहुत ज़्यादा growing areas में होती है और बहुत ज़्यादा interested होती है. Contemporary art होती है, internationally होती है. This is the describe the art of those who have the no right. मतलब ये भी एक प्रकार की आर्ट होती है, इसमें कोई राइट नहीं होता है. एंड द आर्टिस्ट दे रिसीव फ्रॉम द फॉर्मल ट्रेनिंग. और इस प्रकार के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती. बिना ट्रेनिंग के ही वो इस प्रकार की जो आर्ट है उसको शो कर देते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं. शो द टैलेंट एंड द आर्टिस्ट इन साइड द वर्क आर द स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रेस्ट टू द लॉट ऑफ द मेथिन ऑफ स्प्रिंग अराउंड द टाइम द फेट वॉट द प्रोफाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट. जो डॉक्टर जो रहते हैं उन्होंने अपनी जो पेंटिंग है वो उसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस किया. इन द इंडिया दन इट इज द जीनियस वॉज क्रिएटिंग द प्रैक्टिस एन ईयर्स अगो द पैचेज द जंगल टू द बिगिन द क्रिएटिव मेक टू द हिमसेल्फ. मतलब एक बार उन्होंने जो जंगल है उनको क्लियर करना स्टार्ट कर दिया. एंड द गार्डन स्क्रप्चर विद द स्टोन और उस गार्डन को स्क्रप्चर किया. रिसाइकल मटेरियल से स्क्रिप्चर किया. वर्ल्ड में आज उसे रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं जो कि चंडीगढ़ में है. और 80 ईयर्स ओल्ड क्रिएशन डायरेक्टर नेक चंद्र थे. 80 ईयर्स ओल्ड जो क्रिएटर थे नाउ है इन इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन. उन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया. 2005 द रॉक विजन इन यूके बेस्ड ऑन द मैगजीन पॉइंटर. और उन्होंने अपना नाम रोशन किया. स्टोन रॉक गार्डन स्क्रप्चर वुमेन बाय द वाटरफॉल इट्स यूनिवर्सिटी इशूज ओवर. इट्स फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.